देश के पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने नेशनल सिक्योरिटी पर सरकार को घेरा और सवाल पूछा। हमारे भारत के इतिहास में जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद घटना है। इतनी कठिनाई से हम हमारी स्वतंत्रता मिलाई और वहाँ कुछ सिद्धांत रखे, कुछ कानून बनाए, उसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कानून जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, जिसका जिक्र अंतोनी जी ने किया है। जब भी इस देश में कभी लड़ाई का निर्णय लेना पड़ता है, कभी इंटेलिजेंस का सहारा लेके हमारे अपने देश की रक्षा के लिए का कुछ काम करना पड़ता है, तो उसमें प्रमुख चार लोग रहते हैं, चार मिनिस्टर्स रहते हैं जो सिक्योरिटी की बात कहते हैं, इंक्लूडिंग NSA, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। तो जो अभी अर्नब गोस्वामी ने किया, वो केवल देश के लिए नहीं तो पूरे जर्नलिज्म के लिए एक लांछनास्पद चीज है। ऐसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी। हमने दो तीन युद्ध भी देखे, अलग अलग पार्टी के सरकारें देखी, उसमें भी इस तरह की बात, ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज करने की बात नहीं हो गई थी। बट एंटोनी जी ने अभी कहा, वो तो डिफेंस मिनिस्टर थे, और क्या सिस्टम होती है वो भी कहा। तो विशेषता बालाघाट के बारे में और पुलवामा से भी ले ले, जब कहीं खुशियां मना रहे थे बालाकोट, हाँ बालाघाट तो इधर बालाकोट, कहाँ खुशियां मना रहे थे, लेकिन देश तो 40 लोग हमारे जवान मृत्यु हो गए थे, उसमें दुख में थे, दुख मना रहे थे, और कई लोग फोन पे बात कर रहे थे कि हमारे देश का अभी भला हो जाएगा। कैसा भला हो जाएगा? और कौन भला करेगा, ये भी संभाषण है उसमें। तो ये अंतोनी जी ने जो कहा कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, पर्टिकुलरली ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में, जो ये लीकआउट हो गया है, ये हमारे देश के लिए और अगले आने वाले सरकारों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो ये पार्लियामेंट में तो ये इस पर उठाएंगे, लेकिन सरकार ने इस पर जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बारे में जो करना है वो अभी तक नहीं किया है। और ये सभी कई बम्बई के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं, कई यहाँ के रिकॉर्ड में डिस्क्लोज हो रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि इतना सब होने के बाद अभी तुरंत वो इसकी इंक्वायरी करेंगे और देश को बताएंगे कि किस तरह का काम किया है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो गुनाह किया है उन्होंने
उसकी सजा मिलनी चाहिए। पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को आप सुन रहे थे। बहरहाल आगे हम रुख करेंगे किसानों और सरकार के बीच 10वें राउंड की बातचीत का और 10वें दौर का संवाद अब से थोड़ी ही देर में होगा। क्या आज की बातचीत से निकलेगा कोई समाधान, जानेंगे ब्रेक के बाद।